भाई हमारे डेट वगैरह सारा कुछ कन्फर्म हो चुका है, हम कब जाने वाले बांग्लादेश। जो आज शॉपिंग किए विशाल मार्केट से, बहुत सस्ते में मिला भाई, वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट इन फ्यूचर भाई, इसलिए सब कुछ ले लिया भाई यहाँ से। भाई नंदू का ऑपरेशन हो रहा है कान का, नंदू भाई फंस गया भाई खत्म। Hey, what's up, beautiful people? Welcome back to another brand new blog. And आज का ब्लॉग स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट हो रहा है भाई शिव मंदिर से। वो हमारा हाथीरपद वाला शिव मंदिर नहीं है भाई, वो बाईपास वाला शिव मंदिर है। एंड बांग्लादेश बहुत ज्यादा एक्साइटेड भाई बांग्लादेश जाने के लिए। एंड आज का ब्लॉग भाई बेसिकली होने वाला है बांग्लादेश का प्रिपेरेशन का ऊपर। एक्चुअली भाई हमारा डेट वगैरह सारा कुछ कन्फर्म हो चुका है, हम कब जाने वाले बांग्लादेश। वो हम संडे को जाने वाला है अगरतला, वहाँ पे जाके करेंगे हमारा वीजा पर्पज। एंड 4-5 दिन का बाद ही भाई चला जाएंगे हम बांग्लादेश के लिए, रवाना हो जाएंगे। सो फिलहाल के लिए बता दूं, अभी तो जाऊंगा भाई थोड़ा सैलून में, थोड़ा हेयर कट वगैरह करना है। एंड इसके बाद भाई घर में आऊंगा, लौटने का बाद दोबारा जाऊंगा भाई इलोरा मार्केट। थोड़ा बहुत तो शॉपिंग करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि बांग्लादेश जा रहा हूँ। एंड मैं अब तो समझा नहीं पाऊंगा कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। मेरा एक्साइटमेंट लेवल तो आपको खैर आने वाले ब्लॉग्स में ही पता चल जाएंगे कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए। बाकी बता दो भाई आज हमारा साथ कौन जा रहा है यहाँ पे? भाई हमारा प्रीतम। हाय, कुछ कहना है प्रीतम भाई? कुछ कहने का नहीं है भाई, दिन बहुत खराब चल रहा है। तू तो हेयर कट करवाने जा रहा है, मेरे को भी पैसा दे दे। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो भाई वो बता रहा है क्या, कौन सा हेयर कट देने वाला, मतलब यश के जैसा हेयर कट भाई इनको, भाई यश के जैसा वो मतलब बाल वगैरह बनाए जो KGF चैप्टर 2 का जो हीरो है। एंड बाकी हम तो भाई नॉर्मल है भाई, शरीफ इंसान है। शरीफ तू शरीफ बोल रहा है, मैं सुन रहा था कि शरीफ और शरीफ, मेरा हिंदी थोड़ा सही नहीं है भाई, पहले ही बता दूं कि मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो बहुत दिन हो चुके हैं भाई हमारा इंट्रो नहीं दे रहा है। So hey, what's up, beautiful people? Welcome back to my channel. You are watching Nandu Sam Vlogs, and I am with you, Sincere Vlogger, Nandu Sabka Bandhu. Without any further delay, let's start this video. Guys, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं आश्रम रूट पे भाई सैलून पे बाल कटने के लिए। राजू है भाई, इन्होंने मतलब नया दुकान खोला, तो यहाँ देखा भाई राजू का हेयर कटिंग। वैसे तो नॉर्मली तो हमारा जो चोरोंगी का जो अपोजिट साइड पे एक थे भाई वहाँ पे करता हूँ, पर इस बार आया भाई तो इन्होंने राजू ने भाई नया शॉप खोला यहाँ पे, तो सोचा कि इसका शॉप भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया जाए एंड देख लेते हैं भाई कैसा क्या होता है। एंड यहाँ पे कर देंगे भाई हेयर कट। हाँ भाई हमारा राजू भाई, कितना दिन हुआ भाई शॉप खुलने में? एक हफ्ता जैसा हुआ भाई। मैंने को मतलब राहुल ने बोला था कि ऐसा खोला है, सो मैंने इनसे कॉल किया। वो ये भाई राजू का दुकान है, सो इनका इस दुकान का थोड़ा बहुत सिनेमैटिक चेक कीजिए। एंड बाकी टू विजिट भाई इनका दुकान पे जरूर विजिट करना। जो यहाँ पे आश्रम रोड का जो पॉइंट है ना भाई, यहाँ पे एक शनि मंदिर है, इसका बगल में है भाई इनका शॉप। एंड टू विजिट भाई, काफी अच्छा हेयर कटिंग करता है भाई, इसीलिए भाई चोरों ने छोड़ के यहाँ पे आया भाई इनका पास कटिंग करने के लिए। फिलहाल तो कस्टमर वगैरह थोड़ा बहुत कम है भाई, क्योंकि नया नया खोला है, सो धीरे धीरे ऐसे होंगे भाई। तो बाकी चलो भाई फटाफट हेयर कट वगैरह कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस बाकी बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, एंड फिलहाल इनका दुकान पे करंट वगैरह भी नहीं। हमारा राजू भाई हमें दे रहा है वहाँ पे पार्टी भाई, नारियल पार्टी, तो छोटा मोटा एक नारियल पार्टी हो जाए, इसके बाद ही भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। A few moments later. तो चलिए भाई हेयर कटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। एंड राजू भाई वो बांग्लादेशी कट देना, नहीं मजाक कर रहा था कि बांग्लादेश में जा रहा हूँ तो अच्छे से कट के देना। नॉर्मल स्टाइल नहीं, थोड़ा हीरो लगना चाहिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। हमारा हेयर कटिंग वगैरह हो चुका है कंप्लीट। एंड अभी फिलहाल तो जाऊंगा घर पे, एंड घर पे भाई खाना वगैरह के नहा के शाम को जाऊंगा भाई इलोरा मार्केट की, क्योंकि भाई धूप बहुत ज्यादा तेज है। इनका हालत देखो भाई, हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा है भाई, फुल पावर पसीना ही पसीना। तो कल तो पूरा टैंकी भर सकता हूं मैं, भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी फुल पावर। चलो भाई चलते हैं घर पे। 2000 years later. So guys, हम फुल पावर पहुंच चुके भाई मार्केट पे, एंड यहाँ से करने वाले शॉपिंग। फिलहाल तो भाई आया भाई विशाल मार्केट पे, ये रहा भाई अभी फिलहाल के लिए। प्रीतम तो नहीं आया भाई, प्रीतम घर पे, हमारे साथ अभी दाशित आया भाई। एंड दाशित ने मुझे बोला भाई चल, इन्होंने भी विशाल मार्केट से थोड़ा बहुत खरीदा है, तो इन्होंने बोला कि विशाल मार्केट पे चल, वहाँ पे कम दम मिलता है।
भाई 100 रुपए वाला जो वो दिखा भिखारी वो भाई आजकल बहुत तो सीरियस लगा देना 100 रुपए भाई ले लो 100 रुपए वाला लगाएगा जो आज शॉपिंग किए विशाल मार्केट से बहुत सस्ते में मिला भाई माना तो चीपेस्ट मार्केट इन सिंचर भाई इसलिए सब कुछ ले लिया भाई यहाँ से मजा कर रहा था भाई बस हमने खींचने के लिए सब लिया बस 4-5 चीजें लेने वाला हूँ घर में जाके फिलहाल सब कुछ आपको क्लियरली दिखाते हैं फिलहाल जाने वाले ठोका दिया ना तुमने मुझे ठोका दिया अभी फिलहाल खड़ा है वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट ऑफ सिंचर भाई विशाल मेगा मार्केट यहाँ पे चड्डी भी कम दम में मिलता है किसके लिए खरीदना है क्या भाई तेरे लिए कितना साइज कितना है ट्रिपल एक्सल ओह माय गॉड वाओ सो गाइस बाकी शॉपिंग वगैरह हो चुका है कंप्लीट एंड फिलहाल विशाल मार्केट से निकलते हैं भाई एंड चलते हैं भाई दूसरा और एक इलोरा वगैरह पे कुछ था भाई आज का शॉपिंग में विशाल मार्केट का तो फिलहाल तो जाऊंगा भाई इलोरा मार्केट पे एक टी-शर्ट और कैमरा का भाई माउंट खरीदना है बस कान में दर्द हो रहा है A few moments later. तो फिलहाल भाई थोड़ा बहुत आया भाई इलोरा मार्केट में थोड़ा मतलब ओवरसाइज टी शर्ट वगैरह खरीदने के लिए क्योंकि विशाल मार्केट में वो ओवरसाइज टी शर्ट वगैरह नहीं मिलता है एंड बाकी और एक कैमरा मोबाइल का जो हेलमेट का देख रहा हूँ ना भाई इसका एक माउंट भी चाहिए ढूंढ रहा हूँ भाई मिल तो नहीं रहे देखते अगर आखिर में मिलता है तो भाई मोटो ब्लॉग का झलक भी मिल जाएंगे थोड़ा बहुत एंड बाकी चलो शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं एंड मिलते हैं आपसे भाई थोड़ी देर में फिलहाल गाइस हम लोग आए इलोरा मार्केट पे और यहाँ पे भाई दर्शित होल करने वाला है लड़का या लड़की है भाई वही सोच रहा हूँ भाई नंदू का ऑपरेशन हो रहा है कान का नंदू भाई फंस गया भाई खत्म 2000 years later.